फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पे जो मैं एक दिन पहले रात में सब्जी लेके आई थी, तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगी, अचार के लिए मिर्ची और ये मूली लेके आई थी। इनको धुल के, धूप निकली है तो अभी धुल के और काट के डाल दूँगी तो सूख जाएगी। शाम के डाल लूँगी अचार। और जो और भी सब्जी लेके आई ये भी लगा दूँगी, सेट करके रख दूँगी। पालक और सरसों का साग, मेथी, ये सब साग बना लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा रखे रहेंगे तो भी ख़राब भी हो जाती है। पालक अलग तो ताज़ी ताज़ी सी है, तो ये बना लूँगी। उनको निकाल लूँगी, धुल लूँगी और साफ़ कर लूँगी। अभी बना लूँगी सुबह सुबह इसे। और टाइम बहुत लग गया था ये पालक अलग साफ़ करने में, टाइम तो लगता ही है। और टमाटर थे, आलू, बंद गोभी, मटर, ये सब मैंने रख दी थी। और जो आलू, प्याज, लहसुन, ये सब यहाँ पे किचन में रख दूँगी, ये तो फ्रिज में रखने की चीज़ है नहीं। तो फटाफट से जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि खाना बनाऊँगी, इन्हें सोना भी है इसलिए। और चाय बना ली थी, उसके बाद ये दूध रख दिया था इस पर। और यहाँ पे पालक साफ़ कर लूँगी, साफ़ तो थी वैसे, फिर भी पूरा मैंने खोल लिया सारा, एक एक पत्ता निकालूँगी, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और मुझे ध्यान नहीं रहा कि खड़े ही होके मैंने साफ़ किया, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गई थी, लग गया था। खड़ी रही मैं, नीचे बैठ के करती तो ज़्यादा सही रहता, पर कोई नहीं, कर लिया मैंने साफ़ करके। काफ़ी दिन के बाद बना रही मैं, बोली गई थी तो मुझे लगा कि ले लूँ तो बना लूँगी, क्योंकि अब तो गर्मी आने वाली है, तो इस वजह से सर्दी में अब की बार दूसरी बार बना रही। तो इसमें मैंने चावल डाले, कोई कोई दाल भी डालता है, चावल डाले और धनिया, वो मिर्ची और लहसुन बहुत ज़्यादा कूट के डाल दिया। नमक डाल के ढक्कन बंद करके रख दूँगी। और उसके बाद ये धुल लिए थे। मूली थी 1.5 किलो और 1/2 किलो मिर्ची थी, तो अलग अलग डालूँगी। आपकी बार लेके ज़्यादा आऊँगी, क्योंकि सब्जी इतनी होगी तो बच्चे गए नहीं थे, अकेले ही लेके आई तो काफ़ी होगी, इसलिए ज़्यादा नहीं ली थी मैंने। तो ये धुल के ऊपर डाल दूँगी, मिर्ची नहीं कट करूँगी। मूली अभी लेके जा रही ऊपर, ये धुल के, ये मिर्ची नहीं काटी अभी, सूख जाएगी, शाम के चीरा लगाऊंगी, इसमें भर के वो अचार डालूंगी, तो इसी में अभी रख लेती हूँ। अलग से वो ले रही ना बोरी, ऊपर लेके जा रही है। और अभी इसमें आ रही सीटी, जब तक ऊपर डाल के आ जाऊंगी तब तक ये बनेगी। चलिए आप देखिए ऊपर लेके, तो बोरी पर डाल दूंगी। ज़्यादा सब्जी हो गई थी कल, अब की बार जाऊँगी तब लेके आऊँगी। मूली 2 किलो, 1 किलो ले आऊँगी मिर्ची, ये तो 1/2 किलो है, 1 किलो ले आऊँगी मिर्ची और मूली, गाजर गड्ढ का डाल दूँगी अचार। और ऊपर आ गई थी और बहुत तेज़ धूप है, नीचे तो खैर सर्दी लगती है, ऊपर तो इतनी तेज़ धूप थी कि बहुत गर्मी सी भी लगने लगी। और अच्छी धूप निकल रही है खैर, तो ये सुबह का है टाइम, 10 से पहले का है ये। और यहाँ पे मैंने बोरी लेके आई थी, इसी पे डाल दूँगी धुल के। मिर्ची में अभी चीरा नहीं लगाया, तो जब डालूँगी अचार जब ही लगाऊँगी। और मूली में कोई वैसे कोई कोई तो बॉयल करता है पानी में, लेकिन कच्ची मूली डालो तो बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है खाने में, मुझे तो ऐसी पसंद है। अब 2 किलो ले आऊँगी मूली और गाजर, मूली का अलग डालूँगी, गाजर और बंद गोभी, फूल गोभी, मिर्ची, नींबू, ये सब गड्ढ कर डालूंगी। और मिर्ची लेके आऊँगी 1 किलो, वो फिर डालूंगी। ये तो अब जा रही नीचे, लगाऊंगी तड़का, बहुत टाइम आ गया, देख रहे हैं मेरे क्या बात है, अकेले कर रही हूँ, चाच की आवाज़ आ रही। दिखा नहीं होगा, चलो नीचे जा रही, अब तो आ जाओ। हाँ, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, लेकिन टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि खाना के लिए लेट हो गया, साग में इतना टाइम लगा, हाथ में दर्द हो गया काटते काटते। ऊपर से आ गई थी और इसमें मैंने साग भी तैयार हो गया था, इसमें लगाऊंगी तड़का, तो बहुत ज़्यादा तो मैंने लहसुन छीला इसे और लाल मिर्ची और हींग डाल दी, तड़का लगा दिया इसमें और ये मिर्ची हो जाएगी। उसके बाद ये रोज के मसाले जो हैं बाद में डालूंगी, टमाटर, मिर्ची, खूब चटपटा, बढ़िया अच्छा बना था, सच में खाने में मज़ा आ गया। हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं खाते, उन लोगों को भी अच्छा लगा, लड़की ने नहीं खाया था, उसे तो चावल बना के फ्राई करके दिए थे, उसने नहीं खाया। पहले सोच रही थी वीडियो बनाऊँ, लेकिन वीडियो हो गया था बड़ा, फिर ऐड मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बनाया भी नहीं फिर वीडियो, ये आ गई थी दोपहर में, खाना हम लोग खा रहे थे जब ये आ गई थी।
और यहाँ पर खदक खूब अच्छे से आ रही है, इसे खूब अच्छे से चला दिया था मैंने, काफ़ी अच्छा बन गया। और इसमें आपकी बात मैं बताऊँ, बाजरा का आटा नहीं मिला, चक्की थी बंद, तो इस वजह से बेसन का तड़का लगाया था। यहाँ साग 1 बज गया, पूरा टाइम हो गया, काफ़ी जल्दी जल्दी किया, फिर भी साग में टाइम लगता है। तो चलिए अब खाना खा लूँ, उसके बाद फिर मिलूँगी आप लोगों से। उनका है वक्त, ऊपर से लेके आ गई थी मिर्ची, अचार डालूँगी अभी ये, और ये है मूली, धूप में अच्छी निकली थी धूप तो वो हो गई। ये है राई, और यहाँ पे सौंफ, जीरा और मेथी इसी में मैंने पीस ली, और हींग भी है इसी के साथ, सारा मिक्स कर लिया। नमक, तेल, और ये है विनेगर सिरका जो होता वो, और हल्दी हल्दी है ये डाल दूँगी, फटाफट से अचार डाल लूँ, उसके बाद करूँगी काम। टाइम हो गया, खाना भी बनाना है, चाय भी अभी नहीं बनाई, 4 बज गए। ये ऊपर से सब उतार के लेके आ गई थी, और मसाले मैंने पहले से वीडियो तो नहीं बनाया, तो मैंने ये सब इंतजाम लगा के पहले से ही रख लिया, और डाल दूँगी अचार फटाफट से। तो इसमें राई, सौंफ, जीरा, हींग, धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, तेल, विनेगर, ये सब अच्छे से डाल के मिक्स कर दूँगी। तेल और डालूँगी इसमें, थोड़ा कम सा लग रहा मुझे, क्योंकि इसमें मिर्ची भरूँगी, उसके बाद जो मसाला बचेगा तो ये मूली इसमें मो के रख दूँगी, क्योंकि जो भरा हुआ भर के जो बनाते हैं उसमें तो मसाला ज़्यादा लगता है, और ऐसे मो के रखो तो उसमें मसाला कम लगता है, तो अच्छे से भर दूँगी पहले मिर्ची। काफ़ी अच्छा बना था अचार, ऐसे ही बना के रख लूँगी, मेरा ख़राब नहीं होता मेरे हाथों से, कोई कोई का ख़राब हो जाता, मेरा नहीं होता, क्योंकि पानी बिल्कुल ही ना डिब्बा में ना बर्तन में ना हाथों में पानी की बूंद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ख़राब कभी नहीं होगा आपका अचार। तो ये क्या किया था, तेल के डिब्बा थे लेकिन मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी, तो ये सुबह धुल लिए थे, ऊपर रख दिए थे तो अच्छे से सूख गए थे। इसमें डाल दिया तेल, उसके बाद ये अचार डाला। तेल पहले डाल दो, अगर तेल कोई अचार का डिब्बा है उसमें डाल दो तब तो ठीक है, नहीं तो अगर अलग से अगर अचार डाल रहे डिब्बा में तो उसमें पहले तेल डालें, अच्छे से तरी में पूरे में हो जाए, उसके बाद ही अचार डालें तो अच्छा रहता है। और ये मो के रख दूँगी, इसमें मैंने मिर्ची और डाल दी थी थोड़ी लाल, वैसे तो कोई कोई नहीं डालता, मैंने डाल दी थोड़ा चटपटा सा हो जाए, मूली का अचार अच्छा लगता है, तो इस वजह से कलर नहीं आ रहा, वैसे कलर अच्छा था इसका, इसमें नहीं आ रहा इतना। अच्छे से चला के और बंद करके डिब्बा, थोड़ा तेल ऊपर से और डालूँगी और चला के अच्छे से रख दूँगी। यही है वीडियो, जो भी है आप लोगों ने शेयर किया, आई होप आपको पसंद आएगा, थोड़ा बहुत बताना कैसा लगा। थाली इतनी हो गई थी सारा समेटूँ, बहुत सामान बिखरा पड़ा कमरे में, अच्छा डाला इसलिए, सारी जो प्लेट है और थाली है, मसालदानी भी, नमक सब कुछ है भी अंदर, रख के आ जाऊँ अंदर। ये खाली कर दिया यहाँ से सामान जो पड़ा था, काफ़ी हो गया, कितन भर हो गया, आज तो आराम भी नहीं किया, बहुत काम हो जाता सच में। यहाँ पे रख दिया, फिर चाय बनने देखिए, इसमें डालूँगी अभी दूध, नहीं हो गया अभी गड्ढ का और डालूँगी, अभी तो सूख के और थोड़ा रह जाएगा। 1.5 किलो थी मूली, हस्बैंड खाते नहीं, हम ही खाएंगे और बच्चे, तो अभी 2 किलो मूली लेके आऊँगी, बड़ा डिब्बा खाली करूँगी, उसमें आम का अचार पड़ा है थोड़ा है तो वो खाली करूँगी, तो फिर डालूँगी इसमें, और गड्ढ का एक डालूँगी मूली, गाजर, मिर्ची, ये सारा मिक्स करके। चलिए पहले डाल दूँ इसमें दूध, चाय बन गई, चाय बन नहीं गई अभी, चाय खोल रही है, दूध डाल दिया, ये देखो चाय बना लूँ पी लूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। साग रखा है, रोटी रोटी बनाऊँगी शाम के, अब नहीं बनाऊँगी सब्जी। ये बर्तन वर्तन बहुत थे साफ किए, बहुत काम हो जाता दिन भर इतना, दिन तो खैर अब बड़ा थोड़ा होने लगा, समझ में आ रहा कि बड़ा हो रहा हो गया, फिर जूड़ा भी खुल गया मेरा तो। चलिए पहले चाय बन जाए, उसके बाद मिलूँगी या फिर वीडियो का एंड ही कर दूँगी अभी थोड़ी देर में, चाय बन जाए उसके बाद। बन गई, किसी किसी पीनी है आ जाएगी चाय पीने, अब वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी, उम्मीद करूंगी पसंद आएगा आप लोगों को, फिर मिलूंगी एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग क्या 5:30 बज गए, गुड इवनिंग ही है।
तो चलिए फिर मिलूंगी एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ।